नमस्ते भारत, मैं हूं एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार को 20 घंटे की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस पर स्टे हो गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे केंद्रीय अफसरों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी कि आज रोक लगा दी है, और केंद्र ने हाई कोर्ट के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि केंद्र के अफसरों को जेल भेजने या फिर उन्हें अवमानना के मामले में घसीटने से ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी, लेकिन अदालत ने केंद्र से ये पूछा कि इस समस्या का हल क्या है। साथ ही ये भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी से जाने गई हैं और ये नेशनल इमरजेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि मुंबई मॉडल से कुछ सीख लीजिए, दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने की कोशिश कीजिए। साथ ही केंद्र को लगभग 20 घंटे का वक्त देते हुए कहा कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का प्लान कल से यानी कि गुरुवार से सुबह 10:30 बजे से बताएं कि किस तरीके से वो इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र और उसके अफसर इस मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से अवमानना को नोटिस दिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए दिए गए निर्देशों का पालन ना किए जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और उसके अफसरों को अवमानना नोटिस भेजा था। कोर्ट ने अफसरों को अदालत में मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए थे। केंद्र ने जब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात बताई तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि आप बस एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं, कृपया हमें ऑक्सीजन की मांग और इसकी सप्लाई के बारे में बताइए। इस समस्या को सुलझाने के लिए आपने क्या किया है ये हमें बताइए। पूरे देश में महामारी फैली हुई है, ऑक्सीजन की सप्लाई निश्चित करने के रास्ते तलाशने होंगे, और हम सब दिल्ली लोग के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट की खबर, जिसमें उसका लहजा काफी साफ दिखाई दे रहा है, काफी तल्ख है, उसकी टिप्पणियां काफी लगातार तल्ख आ रही हैं। और ये भी सब जान रहे हैं कि समय स्थिति काफी गंभीर बनती जा रही है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।